हजारों लोगों ने बेटी सरस्वती की मौत के बाद मुख्यमंत्री से 1 करोड़ की मांगी सहायता, शासकीय नौकरी की मांग भी की। शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग एकत्रित हुए, साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष नरहरि प्रसाद यादव ने बताया कि बीते रोज बहन सरस्वती यादव की मौत पुलिस वाहन के टकराने से ही हो गई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री से कलेक्टर महोदय के द्वारा हमने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि मांगी है, साथ ही परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए पुलिस की भी सुरक्षा मांगी है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरहरि प्रसाद यादव। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारती यादव महासभा जिला शिवपुरी से आया हूँ। अच्छा, किस विषय में ज्ञापन देने आए हो यहाँ पे? आज सरस्वती बहन का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उसके परिवार को सहायता के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। आपकी जो क्या क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग थी कि जिस वाहन से टक्कर लगे वो पुलिस का वाहन था, उसका बीमा नहीं था, तो बीमा नहीं होने से बीमा राशि की भी सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि इस बहन के परिवार को बीमा राशि नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है उसके भाई को जो कि मैथ से MS BSc है उसको नौकरी एक दीजिए और परिवार के आर्थिक सुधार के लिए 1 करोड़ की धनराशि सहायता में दें। ये हमने आज मांग मुख्यमंत्री से रखी है कलेक्टर साहब के द्वारा। अच्छा, जो बहन का एक्सीडेंट हुआ था सरस्वती जी का, वो गाड़ी थी पुलिस वालों की, उन पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? हाँ, पुलिस वाले गाड़ी पे सब कार्रवाई हो गई, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, गाड़ी जब्त हो गई और पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। हम शासन से चाहते हैं, जो शासन गूंगी बिहारी बैठी हुई है भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री की, उनसे चाहते हैं कि वो कुछ देखें, क्यों नहीं इन गाड़ियों को बीमा कराता गृहमंत्री। गृह विभाग के अंदर ये पुलिस डिपार्टमेंट आता है, तो गृहमंत्री को चाहिए कि सभी पुलिस की गाड़ियों को बीमा कराएं। बिना बीमा की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, कभी घटना हो जाती है तब ये बात उजागर होती है। इस तरह सरस्वती जैसी कई बहनें चली जाएंगी, उनको न्याय ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ध्यान दें और गृहमंत्री मध्य प्रदेश सरकार।